हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मेंस सेकेंड वीक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे हैं और उनकी तैयारी जेईई एडवांस को लेकर के बहुत अच्छी चल रही है। और इस तैयारी में आपने जो जेईई एडवांस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम 100 DPPs आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन DPPs को आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो तो नो डाउट आपकी जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशंस है, उसको जो आपकी रैंक आने वाली है, उसकी रैंक को आप ये मानो अंडर 1000 के अंदर इम्प्रूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप ढंग से और बहुत ही क्लियरिटी के साथ सॉल्व करें। ना तो बातें नहीं करते, आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस DPP में देखते हैं आज का अपना जो टास्क रहेगा क्या रहेगा। डे 1 का अपना टास्क क्या है, DPP नंबर 8 हमें सॉल्व करना है ना। 8वां दिन चल रहा है आज ना। ओके, तो इस DPP का फॉर्मेट समझ लेते हैं। सिंगल करेक्ट हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स है, पहले 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स दी हुई है, दो और उसके बाद 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास दो पैराग्राफ है, सॉरी एक पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एडिशनल आपको दिया हुआ है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था, मतलब यहाँ से टाइप हो रहा था, तो इस क्वेश्चन को हटाने का फिर इच्छा नहीं हुई कि क्वेश्चन क्यों हटाओ। एक तो इसको क्या, कोई नंबरिंग नहीं दिया, बस एडिशनल डाल करके छोड़ दिया कि आपको सॉल्व कर लीजिए, आपको तो सीखना है ना, लर्निंग फेज में हो, आप तो सीखो ना, तो इसलिए इसको नहीं हटाया मैंने ना। उसके बाद में 2 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और लास्ट में इसका आंसर की है ना। तो स्टार्ट